हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेलकिन नेशनल स्कूल वसई ईस्ट। आई एम मिसेस दीपिका सिंह, सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4, सौहार्द और सौमनस्य। इसका अर्थ है कि सौहार्द मतलब होता है मित्रता और सौमनस्य मतलब होता है अद्वेष, मतलब कि द्वेष की भावना ना हो, मिल बांट कर रहना चाहिए। हमारे आज के पाठ का नाम है सौहार्द सौमनस्य। इसे लिखा है जहीर कुरैशी जी ने। यह नए दोहे हैं। दोहा जो है वो साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें दो पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। प्रस्तुत दोहे में जहीर कुरैशी जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम को बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए देखते हैं पाठ में क्या है। वो छोटा मैं बड़ा हूं, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हम सब हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग नकड़ से मान। इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। बच्चों, अब हम पहले दोहे का अर्थ जानते हैं। यहाँ पर पहले वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। निर्मूल का अर्थ है बिना जड़ के निरर्थक। इसका अर्थ है यहाँ कवि कह रहे हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना बेकार की बातें, हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, जब वह उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। दूसरा दोहा है, नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। इसका अर्थ है नफरत यानी घृणा। घृणा जो है एक ठंडी आग के समान है, यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है, हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अतः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करते रहना चाहिए और नफरत नहीं करनी चाहिए। तीसरा दोहा है, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले हैं खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। इसका अर्थ में कवि कह रहे हैं कि बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते,
प्रकृति किसी भी पौधे का नाम पूछकर उसे उसका नाम नहीं रखती, उसको पहचान नहीं देती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को गले लगाती है। और या तो हम मनुष्य ही हैं जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित होते हैं और हमारे हर काम में पहले स्वार्थ जो है सबसे सामने आकर खड़ा हो जाता है। चौथा दोहा है, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हम सब भारतवासी एक हैं, हम सब भारत के निवासी। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग के भेद, मतलब अलग अलग रंग के, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। फिर है, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। इसका अर्थ है जो प्यार की भावना रखता है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिसे हम प्यार से व्यवहार करेंगे, जिसके साथ हम प्यार से व्यवहार करेंगे उसके बदले में वह हमें प्यार ही देगा। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है। प्यार पाने वाले व्यक्ति को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कर से मान। इसका अर्थ है खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, उसी प्रकार भगवान भी इस दुनिया के कण कण में व्याप्त हैं, समाये हुए हैं। हम मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। इसका अर्थ है कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए, कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत जो है हमेशा नफरत ही पैदा करती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करेंगे वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। बगीचे में भांति भांति के फल और फूल लगे रहते हैं जो बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो प्यारा भारत है, वह भी एक बगीचा है, वो भी एक बगीचे के समान है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाएं बोलने जाने वाली, धर्म के लोग, विभिन्न धर्म के लोग आदि लोग इसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। हम जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम जिसके नाम पर लड़ते रहते हैं, अर्थात भगवान के नाम पर, वही भगवान हमें कहता है यह लड़ाई व्यर्थ है, यह लड़ाई बेकार है, क्योंकि इससे हानि ही होती है और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यदि देशवासियों में भाईचारे के साथ 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 रहते तो कितना अच्छा होता। जिस प्रकार एक दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमालाएं तैयार की जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म के लोगों को नफरत भुलाकर सद्भावना पूर्वक रहना चाहिए, सौहार्द पूर्वक रहना चाहिए, जिससे एक दूसरे के बीच में नज़दीकियाँ आए, तब जाकर यह भावना साकार हो सकती है। शब्द वाटिका, निर्मूल बिना जड़ की निरर्थक, स्वार्थ स्वार्थ।
संहार संभाल सुरक्षित, जर्रा अत्यंत छोटा कण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।